दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग है। आज का प्रसंग है भगवान की लाठी। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस प्रसंग को बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि यह प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग है। एक बार की बात है, एक बुजुर्ग दरिया के किनारे पर जा रहे थे। एक जगह उन्होंने देखा कि दरिया की सतह से एक केचुआ निकला और पानी के किनारे पर आ गया। उसी किनारे से एक बड़े जहरीले बिच्छू ने दरिया के अंदर छलांग लगाई और केचुए की पीठ पर सवार हो गया। केचुए ने तैरना शुरू कर दिया। वह बुजुर्ग बहुत ही हैरान हुआ ये दृश्य देखकर कि केचुए की पीठ पर बिच्छू सवार होकर जा रहा है। उन्होंने उस केचुए का पीछा करने की ठान ली, इसलिए दरिया में तैरकर उस केचुए का पीछा किया। वह केचुआ दरिया के दूसरे किनारे पे जाकर रुक गया और बिच्छू उसके पीठ से छलांग लगाकर दूसरे किनारे पर चढ़ गया और बिच्छू ने आगे चलना शुरू कर दिया। वह बुजुर्ग भी उसके पीछे पीछे चलते रहे। आगे जाकर देखा कि जिस तरह बिच्छू जा रहा था, उसके रास्ते में एक भगवान का भक्त ध्यान साधना में आंखें बंद करके भगवान की भक्ति कर रहा था। उस बुजुर्ग ने सोचा कि अगर ये बिच्छू उस भक्त को काटना चाहेगा तो मैं करीब पहुंचने से पहले ही मैं अपनी लाठी से उसे मार डालूंगा। लेकिन वह कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि उन्होंने देखा दूसरी तरफ से एक काला जहरीला सांप तेजी से उस भक्त को डसने के लिए आगे बढ़ रहा था। इतने में बिच्छू भी वहां पहुंच गया। उस बिच्छू ने उसी सांप को डंक मार दिया और सांप मर गया। उसके बाद वो बिच्छू अपने रास्ते चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो भक्त उठा, तब उस बुजुर्ग ने उसे बताया कि भगवान ने उसकी रक्षा के लिए कैसे उस केचुए को दरिया के किनारे लाया, फिर कैसे उस बिच्छू को केचुओं की पीठ पर बैठाकर सांप से तेरी रक्षा के लिए भेजा। वह भक्त उस अचेत पड़े सांप को देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए और वह आंखें बंद कर प्रभु को याद कर उनको धन्यवाद करने लगा। तभी प्रभु ने अपने उस भक्त से कहा, जब वो बुजुर्ग जो तुम्हें जानता तक नहीं, वो तुम्हारी जान बचाने के लिए लाठी उठा सकता है और फिर तू तो मेरी भक्ति में लगा हुआ था, तो फिर तुझे बचाने के लिए मेरी लाठी तो हमेशा से ही तैयार रहती। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान अपने भक्त की रक्षा किसी के भी रूप में कर सकते हैं। भगवान कभी भी किसी का उधार नहीं रखते। राधे राधे मित्रों, फिर मिलते हैं किसी